तो अगर आपका बजट 15,000 है और इस प्राइस में गेमिंग के साथ में फ्यूचर के लिए 5G फ़ोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें 3 फोन के अंदर 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा और 2 फोन के अंदर 5G का सपोर्ट मिलेगा। और पाँचों ही फ़ोन अपने आप में काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में आता है और प्राइस के अनुसार काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी आपको देगा। फ़ोन में मिलेगा सुपर एमोलेड के साथ में 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट और पावरफुल चिपसेट, जिसके साथ में हाई ग्राफिक्स वाला गेम भी फ़ोन में लैग फ्री और काफ़ी स्मूथली कर पाएंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही यूनिक टेक वीडियो मिलते रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, और उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे जो मेरे लिस्ट में नंबर 1 पर है उसके बारे में। और मेरे लिस्ट में 5वें नंबर पर है सैमसंग गैलेक्सी F22। चलिए बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक के साथ में आता है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी यूनिक बनाया गया है। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ में 90Hz का फास्ट रिफ्रेश का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फोन में परफॉर्मेंस के लिए लगा है मीडियाटेक हेलियो G80 का चिपसेट। रियर में 48MP का क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है और 13MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। साथ में 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जिसके साथ में 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 4GB रैम प्लस 64GB की प्राइस 13,000 है। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्राइस के अंदर एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी F22 को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। और अब हम बात करने वाले उन लोगों के लिए जिनको कि इस प्राइस के अंदर एक बड़ी डिस्प्ले चाहिए, एक बढ़िया स्टोरेज चाहिए। तो मेरे लिस्ट में 4th नंबर पर है इन्फिनिक्स नोट 11S, और ये भी स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और ये स्मार्टफोन पंच होल के साथ में आता है। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर एक बड़ी डिस्प्ले 6.95 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ में 120Hz का फास्ट रिफ्रेश का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फोन में परफॉर्मेंस के लिए लगा है मीडियाटेक हेलियो G96 का चिपसेट, और ये काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, जिसके साथ में आप किसी भी गेम को आप हाई सेटिंग में खेल सकते हैं। 16MP का रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, साथ में 16MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। साथ में 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जिसके साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 6GB रैम प्लस 64GB की प्राइस 13,000 है, और इसका एक जो दूसरा वेरिएंट आता है 8GB रैम प्लस 128GB की प्राइस 15,000 है। तो दोस्तों, जो आपका बजट है उसके अनुसार इस स्मार्टफोन को आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको इस प्राइस के अंदर एक बड़ी डिस्प्ले चाहिए, एक बढ़िया स्टोरेज चाहिए, तो इन्फिनिक्स नोट 11S को जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। और मेरे लिस्ट में 3rd नंबर पर है रेडमी नोट 10S, 6GB रैम प्लस 64GB की प्राइस 16,390 रुपये है, जो कि इसका ओरिजिनल प्राइस है। लेकिन इस स्मार्टफोन को आप सेल या फिर ऑफर या फिर ऑनलाइन में परचेस करते हैं तो इस फोन के ऊपर 1 से 2 हज़ार का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जिससे इस स्मार्टफोन को आप अंडर 15,000 के प्राइस में परचेस कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है, लेकिन इसका बैक में ग्लास देखने को मिल जाता है, जिससे इसका डिजाइन काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है। और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और यह स्मार्टफोन पंच होल के साथ में आता है। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर 6.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। फोन में परफॉर्मेंस से लगा है मीडियाटेक हेलियो G95 का चिपसेट। 64MP का रियर में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, और इसके कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 13MP का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। साथ में 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जिसके साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्राइस के अंदर एक प्रीमियम डिजाइन वाला स्मार्टफोन चाहिए, साथ में एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, तो रेडमी नोट 10S को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अब हम बात करने वाले उन लोगों के लिए जो कि इस प्राइस के अंदर फ्यूचर के लिए 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और साथ में इस फोन के अंदर गेमिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे से आप कर पाएंगे। और मेरे लिस्ट में 2nd नंबर पर है पोको M3 प्रो। चलिए बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यह स्मार्टफोन प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है, लेकिन इसका जो डिजाइन है काफ़ी प्रीमियम बनाया गया है, और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, साथ में 90Hz का फास्ट रिफ्रेश का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फोन में परफॉर्मेंस के लगा है मीडियाटेक डायमंड CT700 का चिपसेट। 48MP का रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है और 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। साथ में 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जिसके साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 4GB प्लस 64GB प्राइस 13,500 है। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्राइस के अंदर एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, साथ में अगर गेमिंग वगैरह का लिख रहे स्मार्टफोन लेना चाहते हैं
तो पोको M3 Pro को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नंबर 1 पर फ़ोन है वह सच में काफ़ी कमाल का फ़ोन है, जिसके अंदर स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है, कुछ भी ब्लॉटवेयर कुछ भी एड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे और उसके अंदर क्लीन UI का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। साथ में इंडिया में पहला 5G फ़ोन है जिसके अंदर Qualcomm Snapdragon 480 का चिपसेट दिया गया है। और ये मेरे लिस्ट में पहले नंबर पर है Moto G51 5G स्मार्टफोन। और इस फोन के अगर बिल्ड क्वालिटी की हम बात करते हैं तो ये भी स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आता है और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर एक बड़ी डिस्प्ले 6.8 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, साथ में 120Hz का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फोन में परफॉर्मेंस के लिए लगाए Qualcomm Snapdragon 480 का चिपसेट और ये कंप्लीट 5G मॉडेम के साथ में आता है। 50MP का रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, साथ में 30MP का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। साथ में 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जिसके साथ में 20W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज की प्राइस 15,000 है। तो दोस्तों इस प्राइस के अंदर एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, साथ में अगर गेमिंग वगैरह के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसके अंदर कुछ भी ब्लॉटवेयर कुछ भी एड्स वगैरह नहीं चाहिए और आपको क्लीन UI का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप Moto G51 5G को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो 5 स्मार्टफोन के बारे में आपको बताएं उसमें से अगर आपको लेना है तो कौन सा स्मार्टफोन को आप परचेस करेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।